लगे रहिए। यहाँ से जिनके आगे फैलाए आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनकी याद में किया जा रहा है पूरे देश में और देश के बाहर के जो लोग रह रहे हैं वो भी अपनी अपनी जगहों पे उनको श्रद्धांजलि के रूप में उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन लोगों ने हमारे लिए लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। बस आज कीर्ता जी का वेलकम करता हूँ। मेरा नाम आकाश परिहार है और मैं तेजस एक पहल फाउंडेशन का संस्थापक हूं। तो 14 फरवरी को जो जिन जवानों ने 40 से ज्यादा जो शहीद हुए थे पुलवामा में, आपको पता है एक बहुत बड़ा दर्दनाक अटैक हुआ था, हमला हुआ था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी जानें दी थी, उसी के चलते हमने आज इस कार्यक्रम का हमारे साल ये प्रोग्राम करते हैं। और इस साल भी हमने एक श्रद्धांजलि सभा हमें डाक बंगलो डोडा में आयोजित की थी, जिसमें बहुत सारे कवियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी जो बातें थी, जो पुलवामा के बारे में बात रखी, देश के प्रति क्या चल रहा है उसके बारे में बात रखी। हमारा प्रयास है कि हम उन जवानों को जो देश के प्रति अपनी जानें देती हैं, जो देश के प्रति अपनी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस में जो काम कर रहे हैं, जो बॉर्डरों पे काम कर रहे हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो उनकी बदौलत हम ये प्रोग्राम करते हैं, हम उनकी बदौलत हम अपने अपने देश में अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से जी रहे, अच्छे से चल रहे हैं। वो इसीलिए होते हैं कि उन परिवारों को सम्मानित को थोड़ा सा लगता है कि हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और उनको वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो देश के बच्चों वीरों को याद किया जाता है। तो हमारा भी यही मकसद है कि हम उन आर्मी फोर्सेस जो भी जितनी फोर्सेस उनका हम सम्मान करते हैं, उनका हमें दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनकी बदौलत हम बहुत अच्छे से माहौल में रह रहे हैं और भारत के अंदर हम अच्छे से ये इवेंट्स भी करने का प्रयास कर रहे हैं।